अरे ये देखो शादी हो गई इसकी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है फ्राइडे, तो आज मैं फास्टिंग करने वाली हूँ। क्रिश्चियन में हम लोग का क्या है, हमारा लेंट सीजन वेनेसडे से स्टार्ट हो गया था। वेनेसडे को एज वेनेसडे था। क्रिश्चियन में ये है कि वेनेसडे और फ्राइडे को जिनको मन है वो सिर्फ वेज खाना खाएंगे, और कुछ लोग है कि पूरा लेंट सीजन वो लोग सिर्फ वेज खाना खाते हैं। तो मैं जो करने वाली हूँ सिर्फ वेनेसडे और फ्राइडे को वेज खाने वाली हूँ, और फ्राइडे को मैं फास्टिंग भी रखूँगी। जो कुछ लोग हैं वेनेसडे और फ्राइडे दोनों दिन ही फास्टिंग रखते हैं, मैं सिर्फ फ्राइडे को ही फास्टिंग रखने वाली हूँ, और शाम को 3 बजे के बाद ही मैं कुछ खाऊँगी वो भी वेज। तो चलो आज मेरा दिन का शुरुआत होता है। कल मैंने पूरा बर्तन अपना धो दिया था, तो आज सुबह मैं लंच के लिए रेडी करके निकल जाऊंगी स्कूल की तरफ। मैं ब्रेकफास्ट नहीं करने वाली आज, क्योंकि मेरा फास्टिंग है। 3 बजे ही मैं अपना फास्ट खोलूंगी, और आप देख सकते हो मैं अपना टाइम कैसे स्पेंड करती हूँ। मैं क्राइम पेट्रोल देखती हूँ, नहीं तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कुछ भी यूट्यूब में देख के मैं खाना बनाती हूँ, रेडी करती हूँ, क्योंकि टाइम पास भी हो जाता है इसी वजह से। टीवी है पर टीवी का रिचार्ज मैंने नहीं कराया, क्योंकि हमको समय ही नहीं मिलता है। हम हर दिन मैं स्कूल में चले जाती हूँ, और सैटरडे को तो हम लोग स्कूल के बाद गांव की तरफ निकल जाते हैं, तो टीवी देखने का टाइम ही नहीं मिलता है। इस वजह से मैंने रिचार्ज नहीं करवाया है। तो मिलते हैं स्कूल में आपको। मैं स्कूल में बहुत दिनों के बाद मैं आज ब्लॉग करूँगी, और जैसे कि आपने शॉर्ट वीडियो में देखा है कि वह ट्यूसडे को रसने की शादी हो गई थी, और पर मैं नहीं जा पाई उसके शादी में कुछ रीज़न की वजह से। तो आज हमारे स्कूल से एकलव्य स्कूल में कुछ टीचर जाएंगे, उनका एग्ज़ाम ड्यूटी है, बोर्ड का एग्ज़ाम ड्यूटी है। इस वजह से जैसे कि आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो में देखा, मैंने इस कुकर के बारे में बताया था कि मैं आपसे इधर ही खाना बनाऊँगी, तो मैं बहुत दिनों से इसमें चावल बना रही हूँ। मैं फास्टिंग कर रही हूँ पर ये तो खाना खाएगा, तो इसलिए मुझे लंच रेडी करके जाना पड़ेगा स्कूल में। तो मैं अभी वही प्रिपेयर कर रही हूँ। अभी मैं पम्पकिन बनाऊँगी। मेरा जो उसने कल मार्केटिंग से लेके आया था, मार्केटिंग करने गया था कल वो, तो ये लेके आया जब्बर नगर मार्केट से। टाइम हो गया है अभी 7:50, स्कूल का टाइमिंग है 8:30, उससे पहले मुझे स्कूल में पहुंचना है। तो हाँ, इतनी ही खबर अभी तक। मैंने बहुत दिनों तक स्कूल में कुछ व्लॉग नहीं बनाया है, तो चलिए मेरे साथ। आज का वेदर देखो कैसा है, टोटली डिफरेंट, और मैं मोटर स्टैंड में पहुंच गई हूँ आफ्टर लॉन्ग बैक स्कूल में। स्कूल में बहुत दिनों के बाद अभी कर रही है। देखो शादी हो गई इसकी, देखो ये लगाने से जल्दी शादी होगा ना, तो मैंने लगा लिया पहले से। कोई भी मुझे सिंगल सुन रहे हो, सारी जुड़ा अच्छा है। व्हाट वी डोंट वांट बेजार, तुमने मेरे का ये इसका शादी करवाने वाले इसी साल हम उसको विदाई करेंगे। नहीं, और हम लोग एक गाना गाएंगे, वो दुल्हन का गाना, और मैं आंसू नहीं आएगा पर भी मैं पानी लगा दूंगा। जबरदस्ती देखो क्या दो से ये जबरदस्ती, रोना नहीं आएगा पर भी पानी लगा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है स्कूल में ये मिलने वाली है मुझे फिर से। रसना की तो हो गई शादी। हाँ यार ये बाकी जल्दी कर, मैं फिर आराम से फिर सकती हूँ। सिंगल लाइफ कितना अच्छा है, सिंगल लाइफ। आज मैं जितने भी हूँ लोगों से मिला दूँ आप लोग को, जो भी आ रहे हैं। अभी टीचर्स लोग आना शुरू कर दे। ये है मैडम मीरा, आ गई है। कल ये रिसेप्शन में गई थी रसना के। गुड मॉर्निंग, कल मैं गई थी रसना के रिसेप्शन में, लेकिन पूरा रात में बुखार में मर रही थी, जुखाम। मैंने इसको देखा, बात करने से ही पता चल रहा है इसको जुकाम हो गया, ऐसे गला भी दर्द हो रहा है, पूरा नाक भी ब्लॉक हो गया, और ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, हो जाएगी। प्लीज फॉर माय प्रे फॉर माय गुड हेल्थ, यस यस प्लीज गाइस प्रे फॉर हर। सोमा से मिला दूं अभी। हाय, गुड मॉर्निंग, बहुत दिनों बाद आप सब से। कैसे हो सब लोग? ये जब थोड़ा पतली हो गई है, डाइटिंग नहीं हुई, वही नहीं हुई अभी भी है, देखो डबल चिन है, तो कम करने दो। इधर मैं अपने घर के रास्ते में हूँ, तो हमारे स्टाफ मेंबर लोग
गए हैं, हमारे जो गेट कीपर है, स्कूल गेट कीपर, उसका मैरिज है आज, तो उसके मैरिज में वो लोग गए हैं पर मैं नहीं गई। मैं पहुंच गई हूँ, वो रहा हमारा बाइक, होम स्वीट होम। हाँ, मैंने शावर भी ले लिया, अभी डिनर के लिए रेडी करूँगी। डिनर के लिए इतना कुछ रेडी करने की ज़रूरत नहीं है अभी मुझे, क्योंकि सुबह को जो मैंने लंच के लिए सब्जी बनाए थे पम्पकिन का, वो अभी भी बाकी है, वो खाएंगे। उसके साथ में अभी वो बैगन का भरता, फिर हम लोग अपना डिनर कर लेंगे। अभी बज गया है टाइम 6:25 हो गया है। 3 बजे के बाद मैंने सिर्फ एक जूस पिया था, वो जो स्कूल से हम लोग को मिला था, फ्रूटी मिला था, जो वो से पिया है। अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है, तो अभी मैं डिनर रेडी करने के बाद हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद हम लोग सो जाएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं शायद कल ब्लॉग बनाऊँ, कल सैटरडे है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।